डिजिटल पीजीटी मैथमेटिक्स वीडियो नंबर थर्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड आइडेंटिटीज क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है, वीडियो नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में पूछा है टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस का टेन एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज हमको प्राप्त होती है ये फॉर्मूला होता है टेन थ्री एक्स से, और टेन थ्री एक्स को चेंज करते हैं टेन टू एक्स प्लस का एक्स टेन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन ए टेन बी, यह होगा टेन थ्री एक्स अपॉन वन, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे टेन थ्री एक्स एंड वन माइनस का टेन टू एक्स टेन एक्स इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स, ये क्वांटिटी हमको फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाइंग को लेते हैं हम टेन थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स टेन एक्स इक्वल टू टेन टू एक्स प्लस टेन एक्स, इनको इधर ले आते हैं यानी कि टेन थ्री एक्स माइनस का टेन टू एक्स माइनस का टेन एक्स इक्वल टू आ जाएगा टेन थ्री एक्स टेन टू एक्स एंड टेन एक्स ठीक है। ये क्वांटिटी इक्वल होगी टेन थ्री एक्स प्लस टेन टू एक्स प्लस ओ सॉरी टेन थ्री एक्स इंटू टेन टू एक्स इंटू टेन एक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ एम नॉट इक्वल टू एन, एम एन के बराबर नहीं है, टेन एम थीटा इक्वल टू टेन एन थीटा, देन द डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा एंड डिफर वैल्यू सो डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा वैल्यूज ऑफ थीटा आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा क्या है, नो पर्टिकुलर सीक्वेंस वी है जी पी में सी है एच पी में एंड डी है ए पी ठीक है, एंड थर्टी नंबर होगा, थर्टी नंबर है साइन एक्स प्लस का साइन एक्स, ये ए पी में आती है अगर इसको सॉल्व किया जाता है, ये टेन एम एक्स प्लस इक्वल टू टेन एन एक्स को अगर जो जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा यानी थीटा का व्यापक मान से हम निकालते हैं तो थीटा की जो वैल्यूज आ जाती है वो एपी में आ जाती है ना, जैसे फॉर्मूला बनता है थीटा अपॉन एम प्लस एन इस तरह से बनता है पाई अपॉन एम प्लस वन और फिर अगला टू पाई थ्री पाई इस तरह से बनता रहता है ठीक है। तो जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा से निकल पाएगा तो एपी में कंडीशन आती है, थोड़ा सा सोल्व करना है वैसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है कोई खास, अगर किसी को प्रॉब्लम बन सकती है तो ये हो सकती है, मैं थोड़ा सा इसको हिंट कर देता हूँ, टेन एन थीटा इक्वल टू टेन एन थीटा है टेन एन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि एम थीटा इक्वल टू एन थीटा प्लस के पाई ठीक है, एन थीटा प्लस के पाई यानी कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा के पाई अपॉन एम माइनस एन यानी कि वैल्यू लाई ए पी, ए पी में ये लाई करेगी ठीक है, एन इक्वल टू के इक्वल टू वन टू थ्री रखेंगे उससे जो है ए पी में कंडीशंस आ जाती है। ऐसे ही 13 क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1.5, तो वैल्यू फाइंडिंग करना है टेन एक्स का ठीक है, तो ये टेन एक्स का वैल्यू किसके इक्वल होगा देखिए हमको बताना है, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग का फॉर्मूला अगर खोल देते हैं तो कंडीशंस बन जाता है, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का टू टू साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स फाइंड करना 1/25, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस का टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 1/25 ठीक है। तो फिर साइन टू एक्स इक्वल टू 1/25 माइनस 1, ये साइन टू एक्स हो जाएगा साइन टू एक्स इक्वल टू 1/25 माइनस का 1 एलसीएम 25 ले लिया 1 माइनस का 25 माइनस का 24/25 ठीक है, साइन टू एक्स इक्वल टू माइनस का 24/25, साइन टू एक्स को 10 में चेंज कर सकते हैं 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस का टेन एक्स इक्वल टू
माइनस का 24/25, ठीक है। इसको सेपरेटिंग करके हम 10 की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे। सेपरेट करके अगर 10 की वैल्यू निकाली जाती है तो वैल्यू मिल जाएंगी, यानी कि 2 10x × 25 = −24 1 + 10²x, यानी कि 50 10x = −24 − 24 10²x। 24 10² + 50 10x + 24 = 0। इसके अगर फैक्टराइज किए जाते हैं, इसको और सॉल्व करके फैक्टराइज किए जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 10x + 3 and 3 10x + 4 = 0। तो यहाँ पर 10x = आ जाता है 10x = −3/4 एंड −4/3। दो क्वांटिटीज इसमें आ जाती हैं, 10x = −3/4 और 10x = −4/3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, 10 75 − 4 75 = ठीक है, 10 75 − 4 75 किसके इक्वल होगा। 1075 एंड कोट 75 दोनों की अगर वैल्यू डायरेक्टली पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 1075 की जो वैल्यू होता है √3 + √3 + 1/√3 − 1, एंड कोट 75 की होगा √3 − 1/√3 + 1। ये क्वांटिटी अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो फाइंड करनी पड़ती है। 1075 है, जैसे 10 45 + 30 का फॉर्मूला लगाएंगे, 10a + b, उससे निकाल पाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है 10 1 10 2 10 3 and 10 10 4, 2 2 2 10 88 and 10 89, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आएगा 1, ठीक है। आंसर इसका बन आता है वो देखेंगे किस तरह से आएगा। 10 बीच में कहीं 2 2 2 10 45 होगा, 45 के बाद 46 होगा, या 89 है, 89 को 10 90 − 1 यानी कि कोट 1 हो जाएगा, तो 10 1 × कोट 1 एक साथ आ जाएगा, फिर 88 10 2 × कोट 2, इस तरह से ये 10 1 × कोट 1 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइंग में, तो 45 से बाद वाले कोट बन जाएंगे, उसी क्वांटिटी में ये रहेंगे, तो सॉल्व होकर आ जाता है 1। इस टाइम पर मैंने क्वेश्चन कराया भी है एक वीडियो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन फिर से आया है तो उसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा कमेंट करेंगे और इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा।